सवालिक नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद एज ए न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम। मीर आलम फिल्टर बेड इंडोर सब स्टेशन का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अवैसी रुकन पार्लियामान हैदराबाद के हाथों 33/11 के वी बरखी सब स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौजम खान साहब और मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। इस बरखी सब स्टेशन से उम्मीद की जा रही है कि बरखी सब स्टेशन के सबब मीर आलम सेक्शन और चंदुलाल बारदरी सेक्शन के हदूद में बरखी सार्फीन को बिला नगा बिला ताखिर बरखी सप्लाई मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस मौके पर महकुमे बरखी के आला ओहदेदार सीजीएम मास्टर प्लान के हमरा मास्टर प्लान टीम और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर आला ओहदेदार बरखी महकमे ने मीडिया को कुछ तफसीलात से आगाह किया। पेश है ये रिपोर्ट। आज ये दहिया 33/11 के भी मीर आलम फिल्टर बेड एसएस इनाग्रेशन अपने हॉनरेबल एमपी साहब श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब के और हॉनरेबल एमएलए मोजम खान साहब और यहाँ के शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोबिन खान रहमत नगर कॉरपोरेटर साहब और अदर ऑफिशियल के प्रेजेंस में आज ये सबस्टेशन इनाग्रेशन हुआ है। ये सबस्टेशन इधर एमडीपल्ली एसटी सबस्टेशन से और शिवरामपल्ली एसटी सबस्टेशन से सप्लाई किधर भी थोड़ा ब्रेकडाउन आए तो भी सप्लाई एक्सटेंड करने जैसा सहूलत ये सबस्टेशन को है। और ये सबस्टेशन के नीचे मेनली मीर आलम सेक्शन और चंदूलाल बारादारी सेक्शन के अंडर में है। सो एरिया को अच्छा रिलेबल और क्वालिटी पावर सप्लाई देने के लिए ये सबस्टेशन अपना HMWS डिपार्टमेंट के पास खरीद के तकरीबन 500 गज 1 करोड़ में खरीद के ये इलाके के लोगों को अच्छे सप्लाई देने के लिए अपना टीएसएसपीडीसीएल और हमारा मैनेजमेंट साहब के इंस्ट्रक्शन के जरिए ये बनाने लगे हैं। और आज ऑनरेबल एमपी साहब से हाथों से ये इनाग्रेशन हुआ है, बहुत ही खुशी है। ये सबसे से ये आजू बाजू इलाके को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और क्वालिटी पावर सप्लाई रहेगा और लगभग 15,000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर को ये अच्छा सप्लाई मिलेंगे। थैंक यू।